प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा या उनको कहना पड़ा कि कोरोना का धर्म, जाति, संप्रदाय, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अजय आलोक, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे, कोरोना का धर्म है ये किसने कहा, या कोरोना की धर्म के आधार पर प्रोफाइलिंग शुरू कहां से हुई? देखिए रोहित, बीमारी कोई धर्म देख के नहीं आती है, और ये धर्म देख के नहीं आती है कि ये हिंदू है तो उसमें जाएगी, मुसलमान है तो उसमें जाएगी। बीमारी सबके लिए बराबर है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। कोरोना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके धर्म की प्रोफाइलिंग उस वक्त शुरू हुई जब तबलीगी के लोग इससे जुड़े, और अचानक ये मामला 29-30 मार्च से लगभग 40-50% से ऊपर पूरे देश भर में बढ़ा, और ये बढ़ते चला गया, और ये और भी क्राल इसने रूप लिया जब ये तकनीकी लोग अपने आप को छुपाने लगे, लगातार बोलने के बाद भी आगे नहीं आ रहे थे। तो इस पे एक देश पे एक बहस छिड़ गई कि ये क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। तमाम चीज़ें हुई, मैं शुरू से कह रहा था और लगातार कहता हूँ कि ये धर्म का मामला है ही नहीं, कोई हिंदू मुसलमान देख के कोरोना नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे कुछ कुछ महान महान मित्र लोग हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के प्रोफाइलिंग देख लीजिए, चाहे आप कुछ कर लीजिए कि कोरोना मतलब मुसलमान हो गया, इस तरह की भ्रांतियां फैलाने वाले लोग, अब सरकार इन पे एक्ट कर रही है। आज बिहार में 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे अफवाहबाजी के चक्कर में, और ये और कुछ नहीं। इवन कि आपके डिबेट पे बैठ के तबलीगी के लोग जिस तरह से बोल रहे थे, वो सीधा सीधे हिंदू मुसलमान कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, ये माहौल को दूषित किया गया है। ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो तबलीगी कितने भी हैं तो हिंदुस्तानी। मैं हमेशा ऐसे ही बोलता था, ये भी तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग जब जा रहे हैं उनका इलाज करवाने, उनकी जांच करवाने, उनको ठीक करने, तब उन पर अटैक हो जा रहा है। तो ये अटैक क्यों हो रहा है? ये अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके मन में कोई गलतफहमियां फैला रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। तो ये रोकना किसका काम है? ये रोकना हमारा काम, आपका काम, और प्लस उन तबलीगी के नेताओं का काम था जिनको समझाना चाहिए था, जिन्होंने देर की समझाने की। मोहम्मद साद साहब का बयान कल फिर आया है, इतने 10 दिन तक क्यों नहीं आ रहा था बयान? तो जब भी ऐसा सिचुएशन देश में हो तो देश के तमाम जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा, नहीं तो इस तरह के दूषित वातावरण पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। राजीव त्यागी, कोरोना का धर्म किसने बताया, या क्यों पीएम को आके कहना पड़ा कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखिए या जात के चश्मे से ना देखिए? रोहित जी, अपनी बात कहने से पहले सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज तक को मैं पिछले जब से कोरोना संक्रमण फैला है देश में, जब से देख रहा हूँ चैनल को, तो चैनल साधुवाद का पात्र है कि आपने बहुत बैलेंस रिपोर्ट्स आप लोगों ने दिखाई, और हिंदू मुस्लिम डिबेट करने से बचे और हिंदू मुस्लिम करने से भी बचे इस वाले मामले में, हालांकि बहुत सारे चैनल इसमें रहे। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप भी फ्रंट लाइन वैरियर हैं, कृपया अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रख करके मूवमेंट करिए, क्योंकि आप लोग खबरें देते हैं और खबरें देते हैं जिसकी वजह से हम लोग और ज्यादा तरीके से अपने जानकारी प्राप्त कर पाते हैं COVID-19 के मामले में। रही बात हिंदू मुस्लिम किसने किया कैसा किया, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि 10 अप्रैल 2020 को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि कोरोना ना तो अमीर को देखता है, ना गरीब को देखता है, ना हिंदू को देखता है, ना मुस्लिम को देखता है, ना राजा को देखता है, ना रंग को देखता है। कोरोना का कोई धर्म नहीं है, कोरोना तो किसी भी व्यक्ति को, मानव जाति के किसी भी व्यक्ति को, कहना उसका जो भी किसी भी धर्म का मानने वाला उसको, कहना उसका संक्रमित कर सकता है हिंदुस्तान में। लेकिन ये बहस जो शुरू हुई, इसमें निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं है कि जिस टाइम तबलीगी जमात का मामला आया, शायद 15-16 तारीख की बात होगी, 15-16 मार्च की बात होगी, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि उनको तबलीगी जमात के लोग जो बहुत सारे देश विदेशों से भी आ रहे थे, उनको परमिशन किसने दी, कैसे वो एयरपोर्ट से बिना जांच के आ गई, एक प्रश्न है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए हिंदू मुस्लिम करने से देश का कोई फायदा नहीं होगा। आज चाइना से पूरा विश्व जो है, मैं ऑफिशियली कह रहा हूं मैं इस बात को, चाइना में हुए संक्रमण की वजह से पूरे विश्व के इंडस्ट्रीज वहां से शिफ्ट करना चाहते हैं। यदि 6 साल से हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं हो रही होती तो हिंदुस्तान में लोग शिफ्ट करते, लेबर लॉज बेहतर होते तो हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज आकर के शिफ्ट करते, और शिफ्ट करके हिंदुस्तान को बहुत बड़ी पूंजी मिलने का काम होता। मैं अब भी कहता हूं सरकार से कि सरकार को निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम डिबेट करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने का काम करना चाहिए।
विशेष रूप से अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे बहुत से टेलीविजन शोज पे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना को कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्तागण बैठ करके तब भी हिंदू मुस्लिम डिबेट करने का काम कर रहे थे, जो चिंता का विषय है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की जमात हो, वो अगर हिंदू मुस्लिम की बात करता है इस वक्त, तो वो देश का नुकसान कर रहा है।